हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आप भी अप्लाई करना सोमेश्वर के नजदीकी गांव में, जहाँ पर भी आपका होम टाउन है। आपका एग्जाम था क्या? जी। तो कैसा गया पटवारी का एग्जाम? अच्छा गया। पेपर तो अच्छा आया। पेपर अच्छा आया था ना? ये न्यूज पेपर का? अच्छा, क्या बात है। आज का पढ़ा? हाँ, ये पढ़ा मैंने, आज का है। अच्छा, इसके बाद मैंने वहाँ के, तुम भल गरम जा, तुम थोड़ा शहरी इलाका में ना, हम अपने जो बुढ़े थे ना, आपको बारियाँ चुगली गण में 50-60 रुपए में जो कि हम रानीखेत पहुँच जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ देख रहा हूँ मैं, बट यहाँ पर बस ही नहीं लगी है। दोस्तों नमस्कार, पहला प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों आपका भाई भी बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है और इन पहाड़ों में कहीं ना कहीं व्यस्त है। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक खास सी जगह, एक सुंदर सी जगह। अभी मैं हूँ अपने गाँव के मंदिर प्रांगण में, क्योंकि ना हमारे गांव से एक बस जाती है तो उसका इंतजार करना है मुझे सड़क पे। तो स्टार्टिंग में मैं माँ भगवती के मंदिर पे आ चुका हूँ, क्योंकि यही वाला रास्ता है जो हमें सड़क तक पहुँचाता है। तो पापा भी आ चुके हैं मंदिर में ना, वो मॉर्निंग पे डेली आते हैं दिया बाती करने के लिए, तो वो भी पहुँच चुके हैं। और मैं भी फिलहाल निकलता हूँ रोड को, तो थोड़ा सा आपको माँ भगवती के दर्शन भी करा देते हैं और साथ ही साथ आज का सफ़र भी दिखा दें कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फाइनली मैं भी माँ भगवती के दर्शन करके निकल चुका हूँ और फिलहाल ना बस का टाइम भी हो गया है, बस आने वाली है। तो देख रहा है मौसम काफ़ी बढ़िया सा हो गया आजकल, पहाड़ों में हमारे ना पाला गिरना शुरू हो गया, मतलब पूरी जो धरती है तो वाइट वाइट नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बर्फ़ गिरी हो। बट ये वाला जो पाला होता है ना, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ख़राब होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। मैं सड़क में पहुँचा रहा, तो मुझे मेरे एक तो मित्र मिल गया हमारे कांदा, और अक्सर मैं इनके गाँव में भी जाते रहता हूँ, और वहाँ पर हमारे गुरुजी और बैठे, और हमारे जीजाजी या फुफाजी, मैं जानता नहीं, फुफाजी शायद क्योंकि हमारी बुआ लगती है, तो फुफाजी से भी मुलाकात होगी काफ़ी लंबी अरसे के बाद, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था, बट उन्होंने अभी अपना परिचय बताया। और कांदा फिलहाल आपको हम जाली में मिलते हैं, हम बस में आते हैं। फिलहाल अभी आपने देखा ना, मुझे कुछ लोग मिले थे तो मेरे मित्र थे, और कुछ हमें वैसे मिली। ताऊ जी कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? ताऊ जी भी आज रेडी है, कहीं जा रहे हो? नहीं, जाली जाऊंगा। जाली? अच्छा, पैसे निकालने? पैसे नहीं है मेरे पास। फिर तो आएंगे 30 को, 1 तारीख को। फिर क्या काम जा रहे हो? आज कितनी तारीख है? आज है 7 तारीख। 7 है आज? हाँ। तो क्या काम जा रहे हो? एक बोतल ले आऊंगा। अच्छा, तो एक बोतल से हो जाएगा? 2 ले आऊंगा। मत लाओ ना, क्यों ला रहे हो? पैसे उतने ही मेजी में बोतल लेने के लिए ताऊ जी तो वहाँ जा रहे हैं। ताई जी नमस्कार, और ठीक ठाक? अरे मैं जामसी थोड़ा अलमोड़ तक। 20-22 हज़ार दिए गणेश को, अभी और देने उसको 20 हज़ार। ना ना, ये बस इंतजार करूं मैं, इतना बैठ जाऊं, लाया नहीं। ये भी घूमने के लिए आ गया सुबह सुबह, ठंड होगी इसको। वैसे सेफ्टी तो फुल कर रखी है, टोपी वोपी पहना रखी है। हाय बोल दो। हाय, यहाँ तो दोस्तों फिलहाल आज बस नहीं आई हल्द्वानी वाली, क्योंकि ना हल्द्वानी वाली बस में कुछ टेक्निकल इशू चल रखा है, तो उस कारण वो नहीं आई। बट मेरे को छोटी गाड़ी मिल गई है और मैं इसमें बैठ गया हूँ, तो बढ़िया तरीके से अभी सफर चल रहा है मेरा। तो फिलहाल आपको आगे ही, फाइनली मैं गाँव से चला था अपने घर पाली से, उसके बाद ना आज हल्द्वानी वाली बस आई नहीं, मासी चला गया। मासी से चकोटिया, चकोटिया से दौराहाट, और दौराहाट से ना अभी पहुंचा हूँ रानीखेत, क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं किया। तो फिलहाल अभी मैं रानीखेत में हूँ, तो आपको थोड़ा सा रानीखेत के इन सुंदर सुंदर नज़ारों को दिखाता हूँ और सुंदर सुंदर व्यू को दिखाता हूँ, और साथ ही ना अभी मैं हूँ टैक्सी स्टैंड। तो यह है रानीखेत का टैक्सी स्टैंड, यहाँ पर ना सारी टैक्सी आके स्टैंड करती हैं, और यहीं से हमें जो हमारा लोकल एरिया है उधर के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। फाइनली ना एग्जाम देने के बाद हम लोग आ गए हैं लाला बाजार में, थोड़ा सा ना भ्रमण करने के लिए, क्योंकि लाला बाजार में ना माँ नंदा देवी की ना एक बहुत प्यारा सा मंदिर है, माँ नंदा देवी का बहुत प्यारा मंदिर है, तो उस पे जा रहे हैं हम, उसे देखने के लिए जा रहे हैं। और वो ना एक आश्रम शैली के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड में बसे ऐसे खूबसूरत से स्थान है, टोटली शांति मिलेगी, मतलब मन को हरने वाली चीज़ है, तो वो दिखाने जा रहा हूँ आपको, और साथ ही माँ नंदा के दर्शन। यह है माँ नंदा देवी का प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार, और काफ़ी संख्या में ना भक्तगण, श्रद्धालुगण माँ की आराधना के लिए आ रहे हैं, माँ की स्तुति के लिए आ रहे हैं, और कई मनोकामनाएं, कई मन्नतें लेकर के माँ के दरबार में आ रहे हैं। तो दोस्तों पुनः फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं हूँ उत्तराखंड के एक छोटे से जनपद अल्मोड़ा में। तो दोस्तों यहाँ पर ना माँ नंदा देवी का एक विशालकाय और भव्य मंदिर है, तो अभी मैं हूँ फिलहाल मंदिर प्रांगण में। तो ये मंदिर का ना मुख्य द्वार है, और मुख्य द्वार में कुछ
जिस तरीके से डेकोरेट कर रखा है कि आपको क्या ही बताएं, काबिले तारीफ है। आप देख रहे हो कि इसमें ना ऐपड़ कला जो हमारे उत्तराखंड की है वो दर्शाई गई है, और साइड की जो इसके स्तंभ है ना वहाँ पर जो हमारी पिछौड़ी होती है जो उत्तराखंड का एक कॉस्ट्यूम है वो भी दर्शाया गया है, और काफ़ी ज़्यादा भक्तगण यहाँ पर आ रखे। मतलब आज तो एक तो एग्जाम है तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रखे एग्जाम देने के लिए। नमस्कार अम्मा, नमस्कार। तुम बोलेगा सा हम हुए। अच्छा, कहाँ छा तुम? वो खिलाती तुमको, चाय पिलाती तुमको। तुम पहाड़ में ही बताओ कहाँ छा को हम लोग पहाड़। अच्छा, अच्छा लाला बाजार में थी तुम्हें घर है तो घाम तापे आई आए थे। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये अब तुम्हें दगड़ू? अच्छा 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 चलो बढ़िया है बेटा। हाँ हाँ, तो अम्मा मतलब भीड़ भाड़ तो रोज रहने ना मंदिर में इस टाइप का? हाँ, आ कम हरो? बिल्कुल कम है। अच्छा अच्छा, स्कूल भीड़। अच्छा, तो दगड़ियों मगे ना हमार ये लोकल आम लोग मिल गई तो उन्हें बैठ भी थे घाम ताप में और अपन दुख सुख लगा में, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर पहाड़ के बुजुर्ग आपको मिल जाए और कुछ आशीर्वाद उनसे आपको मिल जाए। तो यहाँ पर हमारी मात्र शक्ति, हमारी चाची, हमारी ताई, हमारी अम्मा लोग ना। और अम्मा तुम तो न्यूज़ पेपर ला पढ़म छाए हो? ये न्यूज़ पेपर को? अच्छा, क्या बात है। ये पढ़ा मैंने आज का है। अच्छा, इसके बाद मैंने वहाँ के ये... तुम भल ग्राम जा, तुम थोड़ा शहरी इलाका में ना, हम अपने जो बुढ़े ही ना आप बारियाँ चुगली गण में छे। सच्ची गण को हम टीवी में देखते हैं बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों करनी हो रही है? बिल्कुल, हमारे घर बने जो तू आम छे ने वो आप बारियाँ के चुगली गण में छो। आम बारियल मगर मर्च तेज खोया है, दाग सादा वो मैं दावम कोई कमा मोट रोड खोया है ली। हम अपन ऐसे बिल्कुल अम्मा, बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद चाहिए और क्या, बस और कुछ। धन्यवाद अम्मा, आप लोग सभी खुश रहो। है क्या बारियल है? पहाड़ी बालीवाल। कोई ना अम्मा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, चाहे तो हमने पी लेंगे अभी घूमते घामते। चलो बहुत बढ़िया लगा, तुम बोलेगा पहाड़ में मुनि। दोस्तों, जो माँ नंदा देवी का मंदिर है ना वो आश्रम शैली के अकॉर्डिंग बना हुआ है, और इसमें ना पत्थरों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आप देख रहे हो काफ़ी बड़े बड़े और विशालकाय पत्थर है, और हर पत्थर में ना कोई प्रतिमा जो है ना बना रखी है। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है माँ नंदा देवी मंदिर का, मंदिर प्रांगण का। हर एक पत्थर पे ना कुछ चित्र यहाँ पर बना रखे। एग्जाम एक ही पाली में था? हाँ, हमारे यहाँ भी था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप? हाँ। आप कहाँ से? यहीं से। ठीक है। अच्छा, चीम में। तो दोस्तों काफी दूर दूर से ना यहाँ पर भक्तगण आ रखे, तो हमारे कुछ साथी इधर भी हैं। तो दादा आप लोग कहाँ से? भटोली। तो दोस्तों फाइनली थोड़ा बहुत ना माँ नंदा देवी मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि ना जाना काफ़ी दूर है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं बस का, क्योंकि अभी ना कुछ कंफर्म नहीं है कि बस कितने बजे तक आएगी। तो फिलहाल मंदिर प्रांगण में अच्छी खासी भीड़ थी, काफ़ी लोग मिले, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर घूम के, क्योंकि ना शांत हवाएं हैं, ठंडी ठंडी सी, प्यारी प्यारी सी, तो काफ़ी आनंद आ रहा है। तो फिलहाल इसी के साथ हम मंदिर से बाहर की ओर प्रवेश करते हैं, और आपको ना थोड़ा सा लाला बाजार भी दिखाते हैं। तो मैं हूँ, हमारे साथ हमारे परम मित्र भोपाल जी हैं, तो ये महाराज जी हैं हमारे जाली क्षेत्र के। तो महाराज जी आप भी थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कीजिए लोगों के साथ, जनता के साथ, कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ माता की मंदिर को देख के, पुरानी शैली में बना था माता का मंदिर। हाँ। तो बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे। और दोस्तों वहाँ पर ना कुछ बुजुर्ग लोग जो बैठे थे ना काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी बढ़िया स्वभाव के थे, उन लोगों से मेरी कुछ बातें हुई तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। तो फिलहाल ये है लाला बाजार, तो यहाँ पर ना संडे को ना शायद दुकानें बंद रहती है इधर, तो काफ़ी कम भीड़ है, फिर भी ना लोग दिख रहे हैं क्योंकि सब्जियाँ ले रहे हैं लोग, और साथ ही बहुत सारी दुकानें हैं, वैसे सब चीज़ आपको मिल जाएगा अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हो यहाँ पर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बट कुछ दुकानें खुली हैं और ज़्यादातर दुकानें बंद हैं आज। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं ना बस स्टैंड जाकर के कि हमारे गांव की बस लगी है या नहीं लगी है। फिलहाल बस स्टैंड पहुंचते हैं, और मार्केट का व्यू कुछ ऐसा है जो रास्ते ना अभी सुनसान है, अभी कुछ देर पहले काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी क्योंकि ना एग्ज़ाम था लोगों का आज यहाँ पर पटवारी का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई, दूर दूर से लोग आए थे, बट अभी फिलहाल रोड बिल्कुल सुनसान नज़र आ रही है। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं ना अल्मोड़ा के बस स्टैंड पर पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर ना अभी रानीखेत की बस नहीं लगी हुई है, तो रानीखेत की बस का इंतजार है। तो दादी से हमने पता किया, दादी कितनी देर में आएगी बस? अभी आएगी कुछ 4 बजे आएगी। 4 बजे? हम 6 बजे तक रुक जाएंगे, कोई दिक्कत ना है। 50-60 रुपये में जो कि हम रानीखेत पहुंच जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ देख रहा हूँ मैं, बट यहाँ पर बस ही नहीं लगी है अभी।
होती है। तो दादा का एग्जाम था, तो थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता दो, कैसा लगा आज का एग्जाम? ठीक रहा आपका? बढ़िया रहा एकदम। बढ़िया रहा, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो मतलब पटवारी बन गया हो गया मैं? अब ट्रेनिंग करने आएंगे। ट्रेनिंग मतलब इस बार दोस्तों पटवारी बनना निश्चित है। रानीखेत, रानीखेत वाले हो रे, यूट्यूब वाले हो, खाली खेल पर ये है दादी। रानीखेत तुम कहां वाले हो? रानीखेत जाना है गांव में। पैंतीस चालीस रुपए जो पहुंचे इस टाइम में बताओ ना, 150 रुपए ली मैं यार, 125 रुपए यार। 150 रुपए ले टैक्सी वाले। कोई रानीखेत वाली आएगी आप? रानीखेत 150 में 200 में गाड़ी तो बोल रहे हैं 3 लाख में। तो दोस्तों ये है ना अल्मोड़ा का सार्वजनिक अंगेठी है ये, इसमें ना रात को आग जलती है डेली। कल रात मैं भी इसके अगल बगल बैठा था 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटा मेरे को कमरा नहीं मिला भाई अल्मोड़ा में। मुझे बैठ जा भालो रहा। तो दोस्तों ये ना अल्मोड़ा की बहुत ही फेमस स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है। यहाँ पर ना एनी टाइम लगभग ऐसी ही भीड़ रहती है भाई, सब अंदर घुसने के लिए जगह नहीं मिलती। मेरे को भी लेनी थी बट अभी मैं नहीं घुस रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली ना भटकते भटकते मैं पहुँच चुका हूँ सिवांस फास्ट फूड दादा के वहाँ पर, क्योंकि ना मैंने कल रात इसी पास वाले होटल में स्टे किया था। तो उसके बाद हमारा जो लंच डिनर था ना वो टोटली हमने यहीं से किया। सुबह की चाय भी गर्मा गर्म यहीं से, बढ़िया सी प्यारी सी अदरक वाली। और दादा हमारे काफ़ी अच्छे हैं, उनका व्यवहार अच्छा है, तो हम भी पता दौड़े चले आए दोबारा मिलने के लिए। हमने कहा एक बार मिल के आते हैं। तो दादा थोड़ा सा आप अपने बारे में तो दादा का काफ़ी अच्छा फास्ट फूड है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टॉल लगा रखा है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। अच्छा उधर वो सामने, अच्छा अच्छा चलो बढ़िया है। चलो देखते हैं फिर, बस तो आ नहीं रही है, हमने सोचा हम टैक्सी में निकल लेते हैं अब। ओके थैंक यू, नाइस टू मीट यू, फिर मिलते हैं आपसे कभी। दोस्तों ये है अल्मोड़ा नगरी और यहाँ पर ना एक हमारी आमा की अलमारी है, काफ़ी प्यारी सी थीम लिखी हुई है आमा की अलमारी। तो कुछ ऐसी थीम है आमा की अलमारी की, तो ये आमा का यहाँ पर सुंदर सा एक चलचित्र भी दिया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा सा और काफ़ी सुंदर सा डेकोरेट कर रखा है। चाचा नमस्कार। तो अंदर का दृश्य कुछ ऐसा है ना, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं, तो जिसको ज़रूरत होती है वो लेके चले जाता है और जिसके पास ज़्यादा होता है ना वो रख देता है। तो काफ़ी प्यारे से थॉट है, अंदर से आमा की अलमारी। और आमा की अलमारी के बगल में ना हमारी दो बहनें भी हैं। तो बहनें आपने थॉट तो पढ़ी होगी ना, ये थॉट पढ़ी आपने जो यहाँ पर लिखी है, बहुत अच्छी लिख रखी है, ठीक है। और वैसे आपका प्रॉपर होम टाउन का है सोमेश्वर, तो वहाँ पर भी अप्लाई करनी है ये चीज़ें, क्योंकि मेरा भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है बट मेरा होम टाउन जो है ना रानीखेत के पास में है। तो मेरे को ये थॉट अच्छी लगी तो इसलिए मैंने ले लिया। तो आप भी अप्लाई करना सोमेश्वर के नजदीकी गांव में, जहाँ पर भी आपका होम टाउन है। आपका एग्जाम था क्या जी? तो कैसा गया पटवारी का एग्जाम? अच्छा गया, पेपर तो अच्छा आया था वैसे। पेपर अच्छा आया था ना जी? मेरा भी था, मेरा भी था। अच्छा भी गया। अच्छा अच्छा भी गया, पटवारी बन गया। चलो बढ़िया है। ओके नाइस टू मीट यू, फिर मिलते हैं। पहाड़ी पालीवाल। तो दोस्तों हमें ना अल्मोड़ा जनपद में घूमते हुए हमारी एक बहनी मिली, तो इनका भी अपना एक चैनल है यूथ राइटर ऑफ उत्तराखंड। तो बहुत अच्छी थॉट होंगी शायद, क्योंकि अच्छा पोल्ट्री जो डालते हो तो अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप फ्री हो ना एक बार विजिट करना बैडी के चैनल में भी। अच्छा यहीं से मिलती है ना? यहीं से मिलती है। ओके थैंक यू। चल थोड़ा सा आगे तक घुमाते हैं फिर आ जाओ। रानीखेत रानीखेत रानीखेत। तो मित्रों फाइनली रानीखेत वाली मिल गई हमें। रानीखेत दादा कतु पैसेंजर है की? पैसेंजर है एक कार जाओ बहुत तुम अच्छा। अरे यार बुलाओ 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 सबको बुलाओ, हम दोनों हैं। भैया हेलो आपने बस खड़ी जाने आधा घंटा लगेगा। ठीक है ठीक है।